जय जेसु। प्रभु येसु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 162वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। 162nd डे ऑफ आवर बाइबल पिलग्रिमेज। मनन करेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 10 और 11 पर, साथ साथ स्तोत्र संघ 120 और राजा और कुरिंथियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अंतिम अध्याय 13। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 10वां अध्याय पर हम राजा येहू का वृत्तांत सुनते हैं। राजा येहू इज़राइल का विभाजित राज्य इज़राइल का 10वां राजा था। हम जानते हैं दो राज्य बन गया, यहूदा और इज़राइल। वहां पर इज़राइल में शासन करने के लिए बुलाया गया था येहू। उसके ऊपर एक विशेष उत्तरदायित्व था, शायद प्रभु उसको उस कार्य के लिए चुना। एक मुश्किल उत्तरदायित्व वो यही था, अहाब के राजघराने को इस धरती से मिटा देना। सुनने से थोड़ा सा क्या है, बहुत ही खतरनाक कार्य लगता है। वास्तव में ये दो अध्याय में हम देखेंगे, 9 और 10वां अध्याय पूरा खून ही खून है। इसलिए राजा बनने के तुरंत बाद हम पढ़ते हैं यहोराम की हत्या, अहाज्याह की हत्या, इजबेल की हत्या, इज़राइल के राजघराने की हत्या, राज संबंधियों की हत्या, बालदेव के पुजारियों की हत्या, इस तरह हत्या ही हत्या। येहू के ऊपर एक मुश्किल कार्य सौंपा गया था। वास्तव में उसका कारण अहाब का पाप है। अहाब और उसकी पत्नी इजबेल ने पूरे देश को, पूरे इज़राइल को मूर्तियों से भर दिया। बाल की पूजा को उन्होंने विधिवत बना दिया, सभी लोगों से जबरदस्ती पूजा कराया। इस तरह बड़े पाप का कारण बना ये आदमी अहाब। इसलिए वो पाप का फल उसके ऊपर आया। उसके विषय में नबी एलियाह ने भविष्यवाणी की थी, तुम्हारे खानदान के ऊपर विपत्ति आ रही है, एक एक जन इस धरती से मिटा दिया जाएगा। उसी तरह जैसे उसने कहा, भविष्यवाणी की, वो सब येहू के द्वारा सारी बातें पूरी हुई। हालेलुया। वास्तव में येहू बड़े उत्साह के साथ एक कार्य करता गया, किंतु वो उतना धार्मिक व्यक्ति नहीं था। वो इसलिए नहीं कार्य करता जा रहा था, प्रभु के प्रति उत्साह दिखाता था कि वो प्रभु को प्यार करता था। वास्तव में एक व्यक्तिगत रिश्ता ईश्वर के साथ इस व्यक्ति का नहीं था। वो करता गया, मारता गया, और उनको मालूम था ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि उसने एलिया के मुंह से जो भविष्यवाणी हुई थी उसको सुना था। उस समय वो वहां पर था। वो कौन था? राजा का सेना का अधिप था, सेनापति था इज़राइल के राजा का। इसलिए वो अपना कार्य तो किया, किंतु धीरे धीरे उसमें घमंड और अपनी महिमा की चाह, ईश्वर की महिमा से ज्यादा अपनी महिमा। इसलिए हम देखते हैं वचन 16 में उसने यहोनादाब से कहता है, और उसने कहा, मेरे साथ आओ और प्रभु के लिए मेरा उत्साह देखो। वो दिखाना चाहता है प्रभु के प्रति प्यार के कारण नहीं, बल्कि अपनी महिमा के लिए। इसलिए वो उनके लिए खतरा बन गया। हालेलुया। वो तो बड़ा कार्य, सच में बड़ा कार्य किया। आगे हम देखते हैं बालदेव के पुजारियों की हत्या के इस प्रकार 28वां वचन, इस प्रकार येहू ने इज़राइल से बाल की पूजा समाप्त की, किंतु उसके अंदर पाप था। देश से वो पूजा समाप्त की, लेकिन उसके अंदर से पाप को पूरा मिटाया नहीं, हटाया नहीं। इसलिए कहता है वचन 29 में और 31 में सब लिखा है, येहू ने प्रभु इसराइल के ईश्वर की संहिता का सारे हृदय से पालन करने का ध्यान नहीं रखा। उसने भी मूर्ति पूजा के पाप में वो भी फंस गया। इसलिए क्या हुआ,
भले ही इतना बड़ा कार्य किया, बहुत सफल रहा अपने जीवन काल में, बहुत साल तक उसने वहाँ पर राजा बनकर सेवा किया, 28 वर्ष उसने राजा बनकर शासन किया, किंतु उस दौरान भले ही बहुत कार्य उसने किया, किंतु ईश्वर के मार्ग पर पूरे हृदय से चल नहीं पाया। इसलिए क्या हुआ, वचन 32, उन्हीं दिनों प्रभु ने इसराइल देश को छिन्न भिन्न करना प्रारंभ किया। इसके समय में हजाएल ने इसराइलियों को यर्दन के पूर्व के सब प्रांतों में पराजित किया। हजाएल कौन है? अराम का राजा, सीरिया का राजा था। हालेलुया। तो राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अंत तक हम देखते हैं पूरा देश शत्रु की गुलामी में चला जाता है, निर्वासन में चले जाते हैं। तो उसकी शुरुआत आज हो रही है इस अध्याय में, वो भी येहू के समय में। बड़े उत्साह तो उसने दिखाया था कुछ कार्य करने में, किंतु पाप को अपने से हटा नहीं पाया। घमंड आया, स्वार्थपरता आई, अपनी महिमा की खोज करने लगे। इसलिए प्रभु उनके समय में ये इसराइलियों को शत्रुओं के हवाले होने दिया। पिछले 600 साल इसराइल को प्रभु ने संरक्षण दिया था चारों ओर के शत्रुओं से, किंतु अब शत्रुओं को इसराइल के ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया। वास्तव में पाप यही है, पाप के कारण। प्रभु को धन्यवाद। यही है 10वां अध्याय। अब हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 11वां अध्याय को समझने की कोशिश करें। यहां पर कुछ आध्यात्मिक संदेश हमारे लिए छिपा हुआ है। पहली बार एक स्त्री को शासन करते हुए हम पढ़ते हैं, अत्तल्या उसका नाम है, जिन्होंने यूदा के ऊपर 6 साल तक शासन किया। दोनों देशों को, इज़राइल और यूदा को, जब हम देखते हैं उनके राजाओं के विषय में पढ़ते हैं एक ही बार, और पहली बार एक स्त्री को शासन करते हम लोग देखते हैं, वो है अत्तल्या। ये स्त्री कौन थी और उसने क्या क्या की और उससे उसके द्वारा प्रभु क्या संदेश हमको देना चाहते हैं। पहली बात, यूदा के ऊपर शासन करने वाली ये स्त्री इज़राइल के राजा अहाब और उनकी पत्नी जसबल की बेटी थी, और उसकी शादी यूदा के राजा यहोशफत का बेटा यहोराम से हुई। देखिए, इज़राइल के राजा की बेटी यूदा के राजा के बेटे के साथ शादी की। हालेलुया। जब इसका पति यहोराम राजा बना, ये स्त्री ने अपने पति के ऊपर अधिकार रखा और अपने पति से कई पाप कराए। इन्होंने अपने माता पिता से जो भी बातें सीखी है वो सारी बातें यहां आकर यूदा में भर दिया। इनके माता पिता कौन थे? हम देखा आहाब और यसबल, इज़राइल के सबसे खराब राजाओं में एक, खतरनाक राजा आहाब। उनकी पत्नी तो मूर्ति पूजा में अव्वल, नंबर 1, कह सकते हैं कि बाल की नबी थी यसबल। वे दोनों पूरे इज़राइल को मूर्तियों से, मूर्ति पूजा से भर दिए थे, हमने देखा था। इसलिए आहाब के खानदान के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। उन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लोगों को यूं ही मारने के लिए तैयार होते थे। इसलिए तो नाबोत, नाबोत को उनके जमीन के लिए उन्होंने उनको मार डाला था। इसलिए माता पिता के कुकर्म, उसके तले बड़ी हुई है ये बेटी अतालिया। इसलिए वो पाप का असर पूरा ये बेटी पे रही, वो सारा पाप लेके यहां पर आई और अपने पति को, अपने बेटे, लोगों को सब ये पाप से भर दिया, मूर्ति पूजा से भर दिया। कौन?
मथा लिया। इसलिए कहते हैं कि ये यहोराम जो इनका पति है, इज़राइल के राजा के मार्ग पर चले, आहाब के मार्ग पर चले, मूर्ति पूजा के रास्ते पे आए, उसका कारण ये स्त्री थी अतल्या। हालेलुया। इसलिए हमको सबसे पहला संदेश यही मिलते हैं, माता पिता अपने पाप का जीवन यदि नहीं छोड़ेंगे, पापमय जीवन बिताएंगे, अपने संतानों पर उसका असर जरूर छोड़ेंगे और संतानों के जीवन की दिशा को उन्हीं लोग बर्बादी की ओर भेज देंगे। पहले संदेश ही इस स्त्री पे अथालिया के जीवन में इसको पूर्ण रूप से हम देखते हैं, माता पिता के मूर्ति पूजा का असर इसके द्वारा यूदा देश पे आ गया, उनके पति यहोराम पे आ गया, उनके उनके बेटा अहसिया पर आ गए, और अहसिया की मृत्यु जब हुई, उनको यहू ने मारा था, उस समय तुरंत इसने क्या किया, 11वां अध्याय के शुरुआत में लिखा है, जब अहसिया की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तो वो समस्त राजकुल का विनाश करने लगी, यानी अपने पोता लोगों को सब मरवा डाला, जिससे वो रानी बने, वो उसको पूरा अधिकार मिले। हालेलुया। देखिए अपने माँ से उसने सीखा, नाबोत को सब मारने किसने मरवाए थे, यसबल ने। इसी को मैंने कहा यसबल स्पिरिट अभी इसमें है, अथालिया पे वही स्पिरिट काम करता है, अधिकार के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, हत्या करने को तैयार है। ये स्त्री ऐसा किया और मूर्ति पूजा की। हालेलुया। इसलिए माता पिता का पाप बच्चों के द्वारा परिवार को बर्बादी की ओर ले चलते हैं। दूसरा संदेश इससे क्या है कि जीवन साथी को चुनने का कार्य जो है उसको बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, प्रार्थना के साथ लेनी चाहिए। देखिए यहां पर ये स्त्री का पति, उसका नाम है यहोराम, वो तो बहुत अच्छा परिवार का था, बहुत अच्छा खानदान का था, उसका पिता यहोशफत सबसे अच्छा धर्मी राजा था यूदा का, किंतु उसने एक गलती की, उसने आहाब के साथ संधि किया था। आहाब उस समय इज़राइल का राजा, यूदा में यहोशफत शासन कर रहे, बहुत धर्मी शासन, कोई मूर्ति पूजा नहीं, किंतु आहाब के साथ दोस्ती की और आहाब की बेटी के साथ अपने बेटे का शादी कराया, बहुत खतरनाक कार्य रहा वो शादी सच में बर्बादी थी यूदा के लिए, देश के लिए, क्योंकि वहां पर एक कुकर्म करने वाले एक राजा की बेटी और मूर्ति पूजा करने वाली स्त्री की बेटी, उनको इस परिवार में आने दिया, और यहोराम जो कि अपने पिता के साथ धार्मिक जीवन देखकर पले पड़े हैं, बड़े हुए हैं, उसने वो सारी चीज छोड़ दिया, पिता का धर्माचरण वो भूल गया, जो भी परिवार में शिक्षा मिली है वो प्रभु के प्रति श्रद्धा वो सब चला गया, पत्नी ने जो बुराई लाई वो उसके ऊपर हावी हो गया, ये हावी हो गई। हालेलुया। न केवल उसके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर भी। हालेलुया। इसे संदेश क्या है, गलत शादी जीवन को, परिवार को बर्बाद कर सकती है, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए किसके साथ शादी वगैरह हो रहे हैं। इसलिए एक वचन कुरिन्थियों के दूसरे पत्र का अध्याय 6 वचन 14, आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जूते, धार्मिकता का धर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध। हालेलुया। इसलिए मिसमैच हो गया, अनेक परिवार की बर्बादी के कारण शादी गलत हो जाती है, प्रार्थना के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते, मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त जीवन साथी दूंगा, मैं प्रभु से परामर्श लिए बगैर शादी करते हैं, बर्बादी में चली जाती है। तीसरा एक संदेश, सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता बड़ी विपत्ति को पैदा करती है, अपने स्वार्थ के कारण
उसने अपने बेटे की मृत्यु के तुरंत बाद अपने पोते को सब और राजकुल का सारे लोगों का विनाश करने के बाद अधिकार ले लिया अपने कब्जे में, शासन करने लगी। इसलिए क्या हुआ, न केवल उनको शासन से मतलब कुर्सी छोड़ना पड़ा बल्कि अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। न केवल उसका जीवन, अनेक लोगों का जीवन चला गया, बहुत खतरनाक अंत हुआ उसका। इसलिए सेल्फिशनेस, स्वार्थ परता जो है बर्बादी लाती है। ये तीन संदेश मुख्य रूप से अथल्या की कहानी से, उनके घटना से हम लोगों को सीखने को मिलता है। प्रभु को धन्यवाद। अब हम स्तोत्र संख्या 120 को समझने की कोशिश करें। 120 से अगला 15 स्तोत्र जो है तीर्थ यात्रा का गीत जाना जाता है, इंग्लिश में साम ऑफ असेंट। असेंट मतलब आरोहण, चढ़ाई, चढ़ाई का स्तोत्र। इसका मतलब क्या है, इसराइलियों को हर साल कई बार तीर्थ यात्रा में कहाँ जाना पड़ता था, यरूशलेम जाना पड़ता था। उनका त्यौहार यरूशलेम में मनाए जाते थे क्योंकि यरूशलेम मंदिर का जगह है, प्रभु से मिलने का जगह, प्रभु का शहर। इसलिए उन सभी यरूशलेम निवासियों, सभी यहूदियों को जहाँ कहीं भी वे रहते थे उनको यरूशलेम जाना पड़ता था। इसलिए जाते जाते वे ये भजन गाते जाते थे, हालेलुया। तो यरूशलेम जो है समुद्र के स्तर जो है उससे 2000 कम से कम 2800 फीट ऊंचाई पे यरूशलेम शहर। इसलिए जहां से भी आप जाए यरूशलेम की ओर, तो यरूशलेम ऊंचाई पे है, तो एक चढ़ाई है, एक आरोहण है। इसलिए आरोहण का गीत बताया जाता है, तीर्थ यात्रा का गीत। हालेलुया। ये तीर्थ यात्रा का गीत हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी लोग तीर्थ यात्रा में, स्वर्गीय यरूशलेम की ओर हम सभी लोग एक तीर्थ यात्रा, हमारा जीवन तो एक यात्रा है। इसलिए इसी यात्रा में हमारी मदद करने वाले विशेष कुछ स्तोत्र है जो प्रभु के हृदय तक हमें पहुंचने देता है। हालेलुया। तो ये स्तोत्र शुरू होते हैं संकट, मनुष्य के संकट में ये शुरू होती है। इसलिए मैंने संकट में प्रभु को पुकारा। संकट एक ऐसी चीज है जिसको प्रभु हमेशा इस्तेमाल करते हैं, अपने और अपनी और लोगों को खींचने के लिए प्रभु संकट को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अय्यूब के ग्रंथ में हम लोग पढ़े, वो दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। इसलिए संकट जो है, हर एक संकट प्रभु की ओर मुड़ने के लिए एक 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 बुलाहट है। तो उसका संकट क्या है, स्तोत्र ग्रंथकार अभी बताते हैं। सबसे संकट, सबसे बड़ा इनका संकट जो है, झूठ बोलने वाले होठों से, कपटपूर्ण जीभ से मेरी रक्षा कर। ऐसा कई लोग जो उनके विषय में झूठ बोल रहे थे, कपटपूर्ण बातें बोल रहे थे, ऐसे लोगों से घिरा हुआ था, इसलिए ऐसे लोगों से मुझको बचाए। झूठ बोलने वाले होठों से, वास्तव में झूठ हमारे बारे में झूठ बोला जाता है वो एक बात है, हमारे बारे में झूठी बात है। दूसरी एक बात, उससे खतरनाक आध्यात्मिकता में उससे खतरनाक एक चीज है, हमसे झूठ बोला जाता है। हमारे बारे में जो बोला जाता है वो एक अलग बात, हमसे झूठ बोला जाता है निरंतर, कई झूठ हमको सुनाता रहता है। कौन है, झूठ का पिता शैतान। इसलिए शैतान हमसे झूठ बोलता है, पिता के बारे में, ईश्वर के बारे में, लोगों के बारे में सत्य छिपाता है और झूठ बोलते हैं। मनुष्य के बारे में और जीवन के लक्ष्य के बारे में, सच्ची खुशी के बारे में, सब झूठ दुनिया हमको बताती है, मीडिया के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा, अनेक नेताओं के द्वारा सब झूठी बातें फैलाई जाती है। वो एक बहुत ही खतरनाक चीज है, हमारा एक बड़ा शत्रु है, आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा शत्रु है ये जो झूठी बातें जो हमको सुनना पड़ता है और उसको लोग ले लेता है, खरीद लेता है, विश्वास कर लेता है। हालेलुया। वो आध्यात्मिकता में बहुत ही बड़े प्रहार करते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए उसके खिलाफ उसकी एक प्रार्थना है, तब
प्रभु का प्रभु की ओर से वो अधिकार के साथ कह रहे हैं अपने शत्रुओं को, जो झूठी बातें फैलाते हैं उनको कहते हैं प्रभु तुमको दंड देगा। तुमको कौन सा दंड दिया जाए? प्रभु देगा। वो योद्धा के पैने बाणों से झाड़ झंझाड़ की आग से तुम्हें दंड देगा। प्रभु सत्य का बाण लेकर झूठ को पराजित करेगा और अपने न्याय के आग में, क्योंकि जो भी झूठ बोलते हैं वो सभी लोगों के ऊपर विपत्ति आएगी, क्योंकि झूठ शैतान से, सत्य प्रभु है। इसलिए सत्य का जीत जरूर होगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, ये झूठ के ऊपर जरूर प्रभु का अधिकार आ जाएगा। उसके बाद वो अपने दुख और प्रकट करता है। वो दुख यह है, अशुद्ध बातें बोलने वाले लोगों के साथ और सत्य के और न्याय के और शांति के खिलाफ सोचने वाले लोगों के बीच में इनको रहना पड़ता है। मैं कब तक ऐसा रहूं? मैं तो शांति से प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि शांति हो जाए, लेकिन चारों मुर रहने वाले लोग शांति से नफरत करते हैं। अशांति के लोग, युद्ध के लोग हैं, उनके उनके सारे कार्यकलापों में अक्रम है। उन लोग अशांति फैलाना चाहते हैं, अशांति को प्यार करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहने से बहुत दुख होता है। प्रभु के लोगों को हमेशा देखिए, गलत जगह में रहने से, पाप को पसंद करने वाले लोगों के बीच में रहने से विश्वासियों को एक दुख होता है। हालेलुया। वो दुख वास्तव में प्रभु की ओर प्रार्थना के रूप में उठते हैं। पापमय जीवन बिताने वालों के बीच में आप अगर रहते हैं तो आपको अपने हृदय को हमेशा प्रभु की ओर, जैसे हम पर ये स्तोत्र ग्रंथकार प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाए बैठे हैं, मैं कब जाऊंगा। इसलिए तीर्थ यात्रा के दौरान ये प्रार्थना सब गीत के रूप में इसको गाते हुए चलते हैं। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की ओर हमारे सफर में ये वचन सब हमारी मदद करें, झूठ से हमको छुटकारा मिले, प्रभु के पास जाकर रहने का और पवित्रता का पवित्रता से भरने का एक आग्रह प्रभु हम सभी लोगों को दे। हालेलुया। अब हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलोस के दूसरे पत्र के अंतिम अध्याय में हैं, अध्याय 13। इसकी शुरुआत में हम संत पौलोस के मुंह से एक कठोर चेतावनी सुनते हैं। प्रभु के अधिकार इस्तेमाल करते हुए, प्रभु के द्वारा उनको सौंपे हुए अधिकार को इस्तेमाल करते हुए वो कहते हैं, मेरे तीसरे बार आपके पास अब आने का समय हो रहा है, उसके पहले सुधर जाना, यानी पापमय रास्ते को छोड़ना, पश्चाताप करना। यदि मैं आपको पाप के रास्ते पे जानबूझकर चलते हुए देखूंगा आपके पास आते हुए, तो इस बार मैं आप पर दया नहीं करूंगा। सच पीपल विल नॉट बी स्पेयर्ड ऑफ फॉल्स डिसिप्लिन। हालेलुया। इसलिए बाहर से तो कठोर शब्द दिख पड़ता है, किंतु वास्तव में उसके अंदर जो है प्यार ही है। अपने लोगों को किसी भी तरीके से वो बचाना चाहता है और डांट के भी बोलते हैं। और आगे वचन 10 में वो कहते हैं, देखो मुझे ये अधिकार आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मिला है। हालेलुया। और आगे वो कहते हैं वचन 5 वहां पर, वो कहते हैं कि आपको एक जांच करना होगा, एक एग्जामिनेशन है, एक परीक्षा है आपके लिए। वो क्या है? आप लोग अपनी परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं, आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आपके अंदर विश्वास है, आपके विश्वास की परीक्षा, आपकी जांच करनी चाहिए। कैसे करेंगे? आप लोग अपनी जांच करें, क्या आप ये अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? क्या आप अनुभव नहीं करते कि आपके अंदर यीशु काम कर रहा है, जीवित है? नहीं तो आप खोटे हैं। यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम, परीक्षा में हार गया। आज चारों ओर जो महामारी है, परेशानी है, मौत है, हमसे वो पूछते हैं, क्या आप अनुभव नहीं करते हैं?
कि आपके अंदर प्रभु है। हालेलुया। जो हमारे अंदर है उससे बढ़कर है जो बाहर है। हालेलुया। संदीवन हमको बताते हैं। तो अब पौलुस कहता है कि सच्ची परीक्षा, आखिरी परीक्षा यह है कि अनुभव नहीं कर रहे हो कि आपके अंदर प्रभु है। हालेलुया। यदि प्रभु हमारे अंदर है तो हमको बाहर जो भी चीजें हैं उनसे डर नहीं है। आंधी हो, तूफान हो, बीमारी हो, महामारी हो, परेशानी हो, लोगों की ओर से तकलीफ हो, हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। ये परीक्षा, ये जांच करके देखना, संत पौलुस कहते हैं। और उसके बाद वो कुछ विशेष उपदेश, सलाह और देते हैं। इसमें सबसे पहली बात वो कहता है, आप सुधरे, आपकी नवनीकरण हो, यानी पश्चाताप करें और प्रभु के पास और अधिक उत्साह के साथ लौट आए। इसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का सुधार हो, वचन 10 में। हालेलुया। और अंतिम बात यह है कि वो कहता है, आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयंगम करे, यानी हम जो भी बातें आपको बताएं उसको दिल में रखे और एक मत रहे, शांति बनाए रखे, यानी एकता। कुरिंतियों के बीच में एक सबसे बड़ी परेशानी जो होती थी वो है विभाज, अलगाववाद, डिविजन। तब उसके खिलाफ वचन दे रहे हैं, बर्दाश्त करना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, शांति बनाए रखना, जितना हो सके शांति बनाए रखना। प्रेम तथा शांति का ईश्वर तब आपके साथ रहेगा। एक मत रहना, एकता में रहना, तब प्रभु आपके साथ रहेंगे, आपको नहीं त्यागेंगे। और अंत में एक आशीर्वाद देते हैं, वचन 13 अध्याय 13 वचन 13 अध्याय 13 वचन 13 ये आशीर्वाद है। हमारे प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।